राजकीय महाविद्यालय ऊना में रविवार को यंग वोटर्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पाल रासु ने की। कार्यक्रम में निर्वाचन और वोट के महत्व पर आधारित विभिन्न गतिविधियां तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें एनवाईके के वॉलंटियर्स सहित लगभग 500 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने अपने फोन पर चुनाव आयोग की वोटर हेल्पलाइन ऐप भी डाउनलोड की तथा 10 नए मतदाताओं को मौके पर मतदाता पहचान पत्र भी प्रदान किए गए। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पाल रासू ने बताया कि मजबूत लोकतंत्र की परिकल्पना तभी साकार की जा सकती है जब सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 53 लाख मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है। उन्होंने कहा कि एक एक वोट कीमती होता है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान किया जाता है, जिसमें अब वीवीपैट मशीन का भी प्रयोग किया जा रहा है। वीवीपैट मशीन के माध्यम से मतदाता मौके पर ही अपने वोट को वेरीफाई कर सकता है कि क्या वास्तव में उसका वोट पसंदीदा प्रत्याशी को गया है या नहीं। उन्होंने 18 से 19 आयु वर्ग के कम मतदाता पंजीकृत होने पर चिंता जताते हुए कहा कि इस आयु वर्ग के युवाओं से वे आह्वान करते हैं कि 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवा शीघ्र ही अपना मतदाता पहचान पत्र बनवा लें। उनका है सो इसलिए चुनाव आयोग चाहता है जो 18 साल पूरे होने वाले 1/1/2022 को सो अपने आगे आके अपने नाम पंजीकरण करें, ताकि जब आम चुनाव होगी जो उसमें जाके जो अपने भागीदारी ले सकते, लोकतंत्र का मजबूत कर सकते। जैसे आपने वीडियो में देखा, चुनाव आयोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के एक दिन पहले ही गठित हो चुके हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में हुआ उससे एक दिन, जो 25 जनवरी को ही चुनाव आयोग को गठित हुआ था। अब पहले बैलेट पेपर में चुनाव होते थे, जो अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और उसके समस्या जो जब बैलेट पेपर में होते थे उसको समस्या हटाने के लिए, उसके साथ एक वीवीपैट मशीन, वो भी आपने वीडियो में देखा, जो किसको आप वोट डाल रहे हैं वो भी देख सकते हैं। चलो आप सही तरीके, जो मैं किसको मैं बटन दबाया उसी कैंडिडेट को, उसी उम्मीदवार को वोट गया, वो आप देख सकते हैं। सो खास करके आज के डेट में हम यही चल रहे हैं, हर कॉलेज में जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे, जो ITIs, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज, सब जगह